जीवन में हमें अपनी हर एक जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। ईमानदारी के साथ अपना काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। जब हम जिम्मेदारी उठाएंगे तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हर व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, जब दूसरों पर गलतियां थोपना बंद करेगा, तब ही हम और हमारा देश आगे बढ़ेंगे और तब ही सारी विपदाओं और आपदाओं से अच्छे से निपटते हुए, सामना करते हुए, डटकर मुकाबला करते हुए हम और हमारा समाज, परिवार, विश्व कल्याण के पायदान पर आगे बढ़ सकेंगे। जब देश का हर नागरिक जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार होगा, तब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा चीन और जापान ने करके विश्व में अपनी काबिलियत को दिखाया है। भले ही उन्होंने, स्पेशली चाइना ने वायरस बनाया, लेकिन इस चीज से नकार नहीं सकते हैं कि आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हर व्यक्ति ने अपने कंधों पर मेहनत का बोझ लिया है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे, अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली, आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का राशिफल यानी 27 अप्रैल सोमवार का राशिफल लेकर हाजिर हूं। अप्रैल माह का ये आखिरी वीक डेज है। मई से हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारे वीकडे शुरू होंगे तो हमारे रोजमर्रा के काम भी शुरू होंगे। तो आज हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि अगला सोमवार जब आए तो हम तैयार हों, तत्पर हों अपने सामान्य जीवन के लिए। आज उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो जुड़े हुए हैं, और उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, स्पेशल डे है। आज ग्रहों से बनने वाले कुछ योग और दोष की बात करते हैं। सबसे पहले एक नजर इस आज के कुंडली की, यानी कि 27 तारीख की कुंडली। यहां देखिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा, शुक्र स्वग्रही है। दोपहर के बाद मैं बताऊंगा अभी राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बन जाएगा। केतु 9th हाउस पर रहेंगे, शनि, बृहस्पति और मंगल तीनों 10th हाउस पर रहेंगे। इसी से बुधादित्य योग, उभयचर योग और पारिजात योग का साथ मिलेगा। वही मेष, कर्क, तुला और मकर अगर आपकी राशि है तो शश योग और रोचक योग का साथ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो बालक योग का साथ मिलेगा। आपको एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अंगारक दोष आज सुबह 11:45 के बाद ग्रहण दोष भी बन जाएगा। वहीं चंद्रमा सुबह 11:45 के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे अपने शत्रु में, और वहीं से राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बन जाएगा। अगर आप आज सोमवार के दिन कोई शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वह नोट करिए, दोपहर 4 से 6 के बीच में ही आप ये शुभ आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 7:30 से 9 तक तो राहुकाल रहेगा और सूर्य उदय से दोपहर 2:29 तक बद्रा रहेगी। प्रिय साथियों, जब आप आज 6 राशि देख लेंगे तो एक विशेष आकर्षण की बात करूंगा कि पहचाने अपने स्वभाव को, और कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे विशेष उपाय की। आज का उपाय होगा कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करें एकाग्र चित्त मन के लिए। बात करते हैं आज के राशिफल की मेष राशि से। मन में नए नए विचारों का आगमन होगा, आप उन्हें आने दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करके आप अपने शांत चित्त को एक जगह पर लगाइए। नहीं, हम हार्ट को, लीवर, किडनी, अपने बाकी शरीर के फंक्शन को रोक नहीं सकते, तो विचारों को आने से कैसे रोक सकते हैं। आज आने दीजिए, बस आपको यह ध्यान रखना है कि किसे अपनाना और किसे डिलीट करना है। वह आपके लिए बहुत कारगर होगा जो वर्क फ्रॉम होम के अलावा जीवन के विभिन्न क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। आज जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग घर पे ही हों, ज्यादातर लोग घर पे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन नई जिम्मेदारी और चुनौती का रहेगा। आज सर में दर्द, मन में बेचैनी और एक अनिद्रा का भाव भी परेशान करेगा। नर्वस सिस्टम पर ध्यान दें, पैरों में सुन्न होने के या दर्द होने के चांसेस ज्यादा है। लगातार आप काम करें तो एक ब्रेक जरूर लीजिए, उस ब्रेक में आप एंटरटेनमेंट जरूर कर सकते हैं। किसी बात पर निराश और झुंझलाहट के लिए कोई और जिम्मेदार आज होने वाला है, आप कोशिश करें कि ऐसा न हो या ना के बराबर हो। ध्यान करना आज फायदेमंद होगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपके काम के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। सुबह की शुरुआत भोलेनाथ शिव पर एक लोटा जल अर्पित करते हुए शुरू करिए, आप देखिएगा आपका दिन भी बहुत शानदार गुजरेगा और शांत चित्त मन बनाने में आपकी यह पहल बहुत काम करेगी। आज आपको बच्चों से, परिवार के बड़े बुजुर्गों से बहुत सहयोग मिलेगा और आपके किसी मुश्किल को हल करने में उनकी मदद बहुत काम आएगी। आज एक क्रिएटिव आइडिया आपके लाभ कमाने के लिए और खर्चों को कम करने में बहुत बड़ी मदद करेगा।
इसलिए आंख और कान खुले रखिएगा। लकी कलर सिल्वर, नंबर 4 शुभ रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। आपका आज का पॉजिटिव एटीट्यूड आज आपके अतीत की कड़वाहट को बुलाकर मीठी यादों में तब्दील कर देगा। याद रखिएगा, चंद्रमा 11:45 के बाद आपकी राशि से द्विद्वादश दोष बना रहे, इसलिए आप पुरानी यादों में किसी अच्छी चीज को ही खोजने की कोशिश करें। बुरी चीजों को अपनी जिंदगी से जितना जल्दी हो सके निकालिए। माँ बाबू जी की ओर से आपको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिल सकती है, या हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपको लाभ मिल जाए। अगर आपका लेखन में, फैशन में, पैशन में, गाना गुनगुनाने में, डांस में, अदर करिकुलर एक्टिविटीज, या यूं कहें किसी हॉबी में आपकी रुचि है, तो आज आप इसे जरूर पूरा कर सकते हैं और इसके लिए दिन बहुत शानदार है। शिव तांडव स्तोत्र सीख सकते हैं और उस पर नृत्य भी कर सकते हैं। इसमें आप अपने परिवार और सहयोगियों की मदद लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज बहुत शानदार योजनाएं बन सकती है। नकारात्मक सोच से निकलने का पूरा मौका मिलेगा। जो लोग मेडिकल, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए सर्विस प्रोवाइडर्स, टेक्नोलॉजी, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत शानदार समय रहेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी बॉस, मंत्री, ऑफिसर आपकी सराहना जरूर करेंगे। लकी कलर ब्राउन, नंबर 1 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, बात करते हैं मिथुन राशि की। फाइनेंशियल प्रॉफिट होने की संभावना है, चाहे कोई डील हाथ में लग जाए, शेयर मार्केट में अच्छी आपने पकड़ बना ली हो, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में, याद रखिएगा, पारिवारिक जीवन में प्रतिकूल विकास की पूरी संभावना है, इसलिए आप प्रतिकूल कोई काम ना करें, जो भी काम करें उसमें अपना 100% दीजिए और ध्यान अपने काम पर रखिए, आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। दिन बहुत समझदारी से बिताएं। कोई भी ऐसा काम आप ना करें जिससे आपके अपने और आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो रूठ जाए। जुबान पर संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ही राशि में आज ग्रहण बन रहा है। दांतों में दर्द, हड्डियों में दर्द या किसी प्रकार का मसल पेन आपको परेशान कर सकता है, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जो लोग अपने जुबान से गलत बातें करते हैं, मौखिक संक्रमण आपको परेशान कर सकता है, यह स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार दिन कहा जा सकता है। आज आप किसी टेक्नोलॉजी की मदद से और स्पेशली स्पिरिचुअलिटी की मदद से ध्यान लगाएंगे और पढ़ाई और आने वाले दिनों में अपने करियर के लिए एक नया आयाम सिद्ध कर देंगे, इसलिए आज आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। याद रखिए, रिवीजन भी हो सकता है, आगे की पढ़ाई भी हो सकती है, और आप और आपके परिवार के लोग संतुष्ट होने वाले हैं। आप अपने जीवन साथी को लेकर हल्की सी चिंता करेंगे, मैं कहूंगा चिंतन करिए, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करिए, एक दूसरे की मदद करने का पूरा ख्याल रखिए। जब हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। व्यर्थ को विवाद, व्यर्थ के खर्चे और कर्जों से जितना दूर रहोगे उतना लाभ मिलेगा। आज आप अपनी खुशियों में उन्हीं चीजों को ढूंढिए जो आपके पास है। नई चीजें खरीदने में विश्वास मत करिए। लकी कलर क्रीम, नंबर 8 शुभ रहेगा। साथियों, बात करते हैं कर्क राशि की। घर पर एक आसान और सुकून भरा दिन बताएंगे। वैसे तो घर ईंट, गारा, चूना पत्थर, सीमेंट और बजरी का होता है, लेकिन उस पर रहने वाले लोगों की आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे का साथ निभाने की जो कोशिश होती है, वही इस घर को मंदिर बना सकती है। और आपको मंदिर बनाने के लिए भगवान के नहीं, अपने भीतर बैठे हुए भगवान को जगाने की बहुत जरूरत है। कुछ भौतिक सुखों का भी आनंद आप लेंगे और एंजॉय जरूर करेंगे। आप अपने दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करके, पुराने लोगों से बातचीत करके, मिलके यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत अच्छा फील करने वाले। और याद रखिएगा, जब और जहां से जितना हो सके अच्छी फीलिंग आ जाए, वही आपके लिए कम है। आपको अपने जीवन साथी, अपने पारिवारिक जीवन, बच्चों के साथ कोई अच्छी रणनीति बनानी चाहिए, जिससे आप आने वाले दिनों में कम से कम तकलीफ हो गए और ज्यादा से ज्यादा आपके काम बनते चले जाए, ज्यादा से ज्यादा आप एंजॉय करें और ज्यादा से ज्यादा आप काम करके फ्री भी हो सके। अपने व्यवहार और भलाई में भावनात्मक जो तड़का मत लगाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने की आज जरूरत है। गलत खान पान की वजह से पेट में संक्रमण या गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन परेशान कर सकता है, आपको ऐसे भोजन से परहेज करना चाहिए। आज बच्चों से, बड़े बुजुर्गों से कोई सलाह और बड़ों से आशीर्वाद आपके काम बना देगा, और जब आप काम कर लेंगे तो आपको सराहना जरूर मिलेगी। और याद रखिएगा, पीठ पीछे लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे। लकी कलर गोल्डन, नंबर 3 शुभ रहेगा। सिंह राशि, परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य यानी बॉन्डिंग शानदार बिठाने के लिए यह समय आपको काफी प्रयास करवाएगा
और याद रखिएगा, चुनौती और जिम्मेदारी भी मिलेगी और आप उसे बखूबी निभा लेंगे। और इस बात का ध्यान रहे प्रिय साथियों कि ईश्वर चुनौती और जिम्मेदारी उसी इंसान को देते हैं जिसके बारे में ईश्वर को पता है कि यही उस जिम्मेदारी को निभा सकता है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जब भी कोई बात हो तो आप या तो बोलें लेट गो, छोड़ दीजिए, या फिर हो लेट्स गो, आगे बढ़ें और हम इसे ठीक करें, यह हो जाएगा। टेंशन के माहौल में घर से काम करके फाइल सेंड करना, काम करना बहुत आसान नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया काम है कि टेंशन ना रहे, टेंशन का माहौल ना रहे, इस पर कोशिश करें। ननिहाल ससुराल पक्ष से आज आपको आशीर्वाद, सहयोग या किसी प्रकार की खुशी की खबर मिल सकती है। आपको उनकी मदद भी करनी चाहिए और मदद लेनी हो तो तैयार रहिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज अपने परिवार के साथ एक समय बैठकर भोजन करिए। भोजन करने के बाद सब लोग अपने आज और आने वाले दिनों के लिए एक बढ़िया हेल्दी डिस्कशन करिए। ग्रुप डिस्कशन से बहुत लाभ मिलता है और अच्छा आउटपुट निकलता है, इस पर विश्वास करिए। और कई बार हमारे घर के बच्चे भी हमें बहुत अच्छी सलाह दे देते हैं जिससे हमारे जीवन में कई मुश्किलों का हल करने वाला समय सिद्ध होता है। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 5 शुभ रहेगा। कन्या राशि, पूरे दिन को दैनिक काम यानी रूटीन के काम की गतिविधियां जो भी है उससे निपटाने के बाद आपके पास बहुत क्वालिटी टाइम बच जाएगा, जिस टाइम में आप अपने फैशन, पैशन, हॉबी, अदर करिकुलर एक्टिविटीज और दिल की आवाज को सुनते हुए वो कर पाएंगे जो करने की इच्छा आपके पास है। बस टाइम पास मत करिएगा, टाइम मैनेज करिएगा। आप जीवन के ज्यादातर क्षेत्र में आज कड़ी मेहनत करने का सोच के एक रणनीति बनाते हुए शिव भगवान का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ प्यार गर्मजोशी के साथ बहुत सारे अच्छे लम्हे बिता लेंगे। आप अपने साथी के साथ अच्छे भोजन और कुछ संगीत का आनंद जरूर लेंगे। एक महत्वपूर्ण पेशेवर परियोजना में कुछ बाधाएं जरूर आएगी। आप उत्साहित और ऊर्जावान बने रहेंगे, इसलिए आपको आज कुछ अलग करना चाहिए और परिवार को एक सीख देनी चाहिए। संस्कार और IQ EQ लेवल की पढ़ाई और एक ग्रुप डिस्कशन से बड़ा लाभ मिल सकता है, इसलिए आज का दिन डट के मुकाबला करिए और कुछ अलग करिए। और जब तक पूरा कर नहीं लेते हैं तब तक किसी को बताइए मत। लकी कलर पिंक, नंबर 7 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं आज के आकर्षण की। हम सभी के भीतर दैवीय और राक्षसी दोनों तरह की संपदाएं हैं। हम में जिस संपदा की अधिकता होती है वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। आप में दैवीय संपदा अधिक है तो आप में एक दिव्यता होगी। फियरलेस यानी अभय रहेंगे, डर नहीं रहेगा, अज्ञात भय आपके भीतर नहीं रहेगा। इंद्रियों के वशीभूत होकर अशुभ कर्म नहीं कर नैतिक आचरण और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। स्वाध्याय में आपकी रुचि, स्पिरिचुअलिटी में आपकी रुचि रहेगी और दान पुण्य लोगों की मदद करने की मन में एक भावना रहेगी। लेकिन अगर आप में राक्षसी संपदा की अधिकता है तो हर समय एक अज्ञात भय डर सताएगा, रात को नींद नहीं आएगी, पसीना छा जाएगा। और याद रखिएगा, जब पसीना आ जाएगा, डर लगेगा, घबराहट होगी, चिंता होगी तो दूसरे की वस्तु छीनने की भावना पैदा हो जाएगी। पाखंड और घमंड भरा होगा, दूसरों को देखकर ईर्ष्या पैदा होगी, जुबान में कड़वाहट होगी, क्रोध ज्यादा होगा। और अपने आप को पहचानिए, आप में किन संपदा का बोलबाला ज्यादा है। याद रखिएगा, कई बार हम बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं मैं उसे जानता हूं, हम तो अभी खुद को भी नहीं जानते हैं, दूसरों को जानने की बात तो कहां से आती है। स्वयं को जानिए और अपनी प्रवृत्तियों को पहचानिए, आगे बढ़िए। बात करते हैं तुला राशि की। धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, कुछ खर्चा भी होगा और आप अपने भाई बहनों के साथ सामंजस्यपूर्ण समय बिता लेंगे। छात्र सुस्त रहेंगे, आज के दिन को वेस्ट कर देंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आप कड़ी मेहनत करके अपने हाथों की लकीरों को बदल भी सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, जरा सी भी गलती आपको नुकसान दे सकती है, लू के थपेड़े परेशान कर सकते हैं। करियर के मुद्दे पर आपको परेशान करने की कोई कोशिश करेगा, जहां पर आप सोशल मीडिया के द्वारा टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, सर्विस प्रोवाइडर, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में आप बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन कोई दखल अंदाजी करेगा, आपको ध्यान रखना चाहिए। कहीं से खुशी की खबर आपको खुश कर देगी और एक अच्छा समाचार आपको लाभ देगा। आप याद रखिएगा कि हर काम में खुशी ढूंढिए, लाभ ही लाभ मिल जाएगा। लकी कलर रेड, नंबर 6 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, वृश्चिक राशि की बात करें तो संपत्ति में निवेश करने के लिए मानस फिलहाल आज टाल दीजिए। कल तो मैंने आपको कहा था
कि आज वृश्चिक राशि वाले लोग ऐसा कर सकते हैं या फिर सारी राशियों वाले अक्षय तृतीया पर कर सकते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं करें। हाँ, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करके आगे बढ़ सकते हैं। इस मुश्किल समय में मानसिक तौर पर आप मजबूत रहेंगे। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उन्हें किसी रिश्ते में दिलचस्पी होगी और रिश्ते में आगे बढ़ने का मन करेगा, लेकिन पूरी तरह से आपको ढोक बजाकर इस पर ध्यान देना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दीबाजी में कोई निर्णय आपके खिलाफ भी जा सकता है। हो सकता है किसी रिश्ते में, किसी डील में या आप कोई काम कर रहे हैं इसमें धोखा हो जाए, इस वजह से ध्यान दीजिए। जो लोग हार्ट के मरीज है, हाइपरटेंशन के मरीज है, आज उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और कूल रहना चाहिए। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से दिन बिताइए, कोई स्ट्रेस वाला काम नहीं करें। लकी कलर मैरून नंबर 1 शुभ रहेगा। बात करते हैं धनुराशि की। शारीरिक और भावनात्मक दुर्बलता और अशांति का सामना आपको करना होगा। किसी बात को लेकर मनमुटाव होगा। आपके पारिवारिक जीवन में समस्या हल्की से आ सकती है। आप अनैतिक कार्यों के प्रति आकर्षित होंगे। बुरे काम, ऐसे काम जो आपको नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होने वाले हैं। अपने जीवन साथी, प्यार, इश्क और मोहब्बत के साथ उनके साथ पल बिताइए। अपने लव पार्टनर और परिवार में, दोस्तों में, प्रेमी जनों के साथ बहुत अच्छे लम्हे बिताइए और उन पुराने चीजों को खंगालिए। जिस वक्त आप कहीं घूमने गए थे, एल्बम में, मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे फोटोज हैं उनको निकालिए और एक दूसरे के साथ शेयर करिए। देखिएगा उसी वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी और आप ये सोचेंगे ईश्वर जल्द से जल्द हमें मिला दे। धार्मिक अनुष्ठान, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, दान पुण्य, किसी की मदद करना, चाहे वो धन से हो या ये बोलना कि दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करना, ये सारे आज आपके हाथ से काम होने वाले हैं और इनसे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपकी सेहत आज हल्की सी बिगड़ सकती है, इसलिए बाहर जाने से पहले सोच लें कि जरूरी हो तो ही निकलें, दोपहर में नहीं निकलें, गर्मी और बीमार होने के पूरे चांसेस हैं। बड़े बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली उनका परिवार में जो हार्ट के पेशेंट है। लकी कलर व्हाइट नंबर 9 शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। संकट और आवश्यकता लोगों को कई प्रकार की तकलीफों में डाल देती है, लेकिन जो संकट और आवश्यकताओं को सही ढंग से समझ लेता है वह अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाता है। लोगों को भोजन और धन देने का या किसी की मदद करने का आज मौका आपको मिलने वाला है। आप बहुत उदारता से पैसा खर्च करेंगे, लेकिन याद रखिएगा किसी की मदद हो तो जरूर करेगा, बाकी अपने ऊपर खर्चा अभी रोक दीजिए। आप अपने भाइयों, बहनों, परिवार के साथ एक अच्छी कंपनी का आनंद लेंगे और ऐसा लगेगा कि क्या वाकई में इतना शानदार क्वारंटाइन पीरियड होता है। और बहुत सारे लोगों को जब लगता था कि हम बहुत दुखी हैं, आज वही लोग अपने एंजॉय में इसी समय विशेष को बहुत एंजॉय करने लगे। कुछ लोग नाराज जरूर है, कुछ लोग तकलीफ में है, लेकिन फिर भी जो है जैसा है उसमें आनंद लीजिए। स्टूडेंट मजेदार चीजों के प्रति विचलित होंगे और एक अट्रैक्शन भी पैदा होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाएं, क्योंकि आज एनर्जी तो रहेगी लेकिन वो वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। टाइम तो मिलेगा पर टाइम पास करने के ज्यादा टाइम को मैनेज करने के चांसेस कम है। याद रखिएगा हर रोज सुबह होती है और शाम हो जाती है। आप अपने दिल से शाम को अपने आप को पूछिए कि आपने क्या किया है, आज आपने अपने समय को वेस्ट कर दिया है या कोई वाकई में प्रोडक्टिव काम किया है। आप एक दूर स्थान से एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में काम कर सकते हैं। आज आपको कोई काम मिल सकता है, जॉब मिल सकती है। अब आप कहेंगे जॉब का तो बंद है, इस पोजीशन में बहुत सारे लोगों को प्रमोशन हुआ है, सैलरी बढ़ी है, काम मिला है और उन्होंने बखूबी काम किया है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज लॉकडाउन में घर से बैठकर ऐसे ऐसे कमाल कर दिखाए जो ऑफिस में नहीं करते थे, पर हमारे आसपास ऐसे कोई उदाहरण नहीं, इसलिए हमें लगता है कि सारी दुनिया वैसी है जैसे हम घर पर बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लकी कलर ग्रे नंबर 3 शुभ रहेगा। कुंभ राशि, घर में भौतिक सुखों का आनंद लेंगे। याद रखिएगा नया खर्च और कर्ज नहीं करना है, बल्कि जो हमारे पास साधन है उससे खुशी ढूंढिए, मजा आ जाएगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बहुत शानदार बिताएंगे और यह प्रोडक्टिव समय होगा। आपके जीवन साथी, लव लाइफ पे क्रोध आ सकता है, जुबान खराब हो सकती है किसी बात को लेकर या किसी और की बात को लेकर। आप बात का बतंगड़ बनाते हुए घर में अशांति फैलाने का काम करेंगे। मेरी तरफ से आपको हिदायत है कि आपको शांति, विनम्रता और अच्छी सोच और अच्छी जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पेट के खराब होने की पूरी संभावना है। अपने वरिष्ठ जनों के साथ आपकी समझ सामंजस्यपूर्वक रहेगी। यात्रा बिल्कुल भी नहीं करें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे घर से दूर आपको या घर के आसपास ही कहीं जाना पड़े। स्पेशली 11:45 से शाम 5 बजे तक नहीं निकले,
लकी कलर ब्लू नंबर 5 शुभ रहेगा। मीन राशि, आज किसी वरिष्ठ व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, किसी अच्छे औहदे पर बैठे हुए व्यक्ति से बातचीत या किसी प्रकार का काम आपका हो सकता है। जो लोग घर से काम कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन संचार के माध्यम हो या फिर इंटरनेट सोशल मीडिया के द्वारा करते हो, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, या यूं कहें कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए आईटी प्रोफेशनल लोग, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स लोगों के लिए आज संपर्क बहुत शानदार रहेगा और कम्युनिकेशन इतना शानदार रहेगा कि काम बनते चले जाएंगे और आगे का काम तय होगा। आज एक रणनीति बनाने के लिए दिन बहुत शानदार है। आज काम को दिल से करने के लिए आपको लोग धन्यवाद देंगे, आपके बॉस, ऑफिसर, मंत्री आपको धन्यवाद देंगे और यही आपके चेहरे पर खुशी लेकर आएगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बना रहेगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। रुचिकर भोजन का आनंद जरूर लीजिए। लकी कलर ग्रीन है, नंबर 4 शुभ रहेगा। बात करते हैं प्रिय साथियों राशिफल के बाद आज के महा उपाय की। अक्सर किताब के पन्ने तो स्टूडेंट को निहार रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान कहीं और ही होता है। इस समस्या से ज्यादातर लोग 2-4 होते रहते हैं। माँ बाबूजी की आंखों में या माँ बाबूजी की आंखों के सामने अगर बच्चा कुछ बन जाए या कोई मुकाम हासिल कर ले तो उनसे ज्यादा किस्मत वाला कोई और नहीं होता है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें, और बच्चे अगर इस बात को सुन रहे हैं तो ये सोचिए कि आपके माँ बाप की भी जिंदगी है जिसे उन्हें जीना है। कहीं ऐसा ना हो कि पहले अपनी जवानी अपनी और अपनों की जिंदगी बनाने में लग गए, अब जब बच्चे बड़े हुए तब उनकी जिंदगी बनाने में हमारी आगे की जिंदगी खराब हो गई। आज बच्चों आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है और अपने जीवन के आगे की रूपरेखा बनानी है और अपने आप को कठोर बनाना है। अगर आप भी वैसी ही किस्मत पाना चाहते हैं तो आज का महा उपाय आपके लिए, संतान के लिए अति शुभ सिद्ध होगा। इसे नोट करिए, आपको करना क्या है। देखिए, शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को या इस सोमवार को सरस्वती यंत्र घर के मंदिर में स्थापित करें, नहीं तो सरस्वती यंत्र आप भोजपत्र पर बना सकते हैं। कुमकुम अक्षत से तिलक कर धूप दीप और सफेद नैवेद्य दूध से बना हुआ खीर और प्रसाद उन्हें अर्पित करें और एक मंत्र बोले, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, यानी एक बार। यह मंत्र हर विद्यार्थी को पढ़ाई में एकाग्रता लाने के कार्य में श्रेष्ठ सिद्ध होगा। पूजा के बाद यंत्र को बच्चे की स्टडी टेबल पर या रूम में रख दें। यदि संभव हो तो किताबों के अध्ययन के साथ साथ नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें और मन ही मन स्मरण करें। हो सके तो पढ़ाई शुरू करने से पहले 11 बार इस मंत्र को पढ़ें। आप देखिएगा आप इतनी शानदार पढ़ाई करेंगे कि आपके परिवार के सदस्यों में आंसू निकल जाएंगे, दुख के नहीं खुशी के। इससे एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई में उत्साह पड़ेगा। मां सरस्वती की कृपा से विद्या आपकी फलदायी होगी। प्रिय साथियों, सोमवार आपके लिए यादगार गुजरे। यह अप्रैल माह का आखिरी सोमवार है। इसमें आप बहुत मेहनत करेंगे और इस क्वारंटाइन पीरियड को हमने जिया है। कुछ लोग दुखी हुए हैं, लेकिन यह एक समय है जो चला जाएगा। कभी भी अच्छा हो या बुरा समय हो परमानेंट नहीं रहता है। आज के लिए इतना ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी साथियों का ख्याल रखें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए स्वस्थ, मस्त, प्रसन्न और व्यस्त रहेंगे। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।